Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Hey Prabhu, Hey Mahadev, मुझे ज्ञात है, आप ही का चमत्कार है ये, जो आपने मुझे फिर से भोजन प्रदान किया, अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते ना प्रभु, इसलिए आपने अपना प्रसाद मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि-कोटि प्रणाम। शिव भक्ति के आगे तो इसे कुछ दिखता नहीं है, इसने तो मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके कल्पना का द्वार खुल जाए। माता, फिर दीदी अशोक सुंदरी उस असुर के विवाह प्रस्ताव से कैसे मुक्त रही? उस दिन तो वो चला गया, किंतु दुष्ट की दुष्टता कहाँ थमती है? वो तो फिर लौटने का मन बना चुका था, छल करना चाहता था, इसलिए पुत्री अशोक सुंदरी को विश्वास दिलाने के लिए कि वो फिर नहीं लौटेगा, कुछ समय तो उसने कुछ नहीं किया, किंतु फिर एक दिन नहीं, पराजय नहीं, युक्ति योजना पर विचार करो और सफलता प्राप्त करो। ये सब क्या हुआ है? जैसे कोई बवंडर आया हो और सब तहस नहस कर गया हो। ये वृद्धा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? नहीं नहीं, हुन तो निराश होकर जा चुका है, फिर नहीं लौटा। वो नहीं है ये, ना ही उसका कोई छल हो सकता है। वैसे भी ये तो कोई पवित्र आत्मा ही लगती हैं, जिनके पास पिताश्री को प्रिय बेलपत्र है। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए।
करुणा ही तुम्हारी दुर्बलता बनेगी सुंदरी। मेरा ये तप सफल होगा। नहीं सुंदरी, मूर्खता मैं नहीं, तुम कर रही हो, और अब इसका प्रमाण लेकर ही लौटूंगा मैं। माता, तो क्या हुंड को ज्ञात हो गया कि रसोइये ने शिशु नहुष का वध नहीं किया था? हाँ पुत्र, जिसके दंड स्वरूप उसने रसोइये का वध कर दिया। जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों से लड़ता है वो कभी नहीं हार सकता, किंतु जो अपनी त्रुटि को ही सही सिद्ध करने में लग जाए उसकी विजय कभी नहीं हो सकती। बारंबार असफल होने के पश्चात भी हूँ निरंतर नहुष को ढूंढता रहा। तो नहुष तो सुरक्षित थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। को तो कोई नहीं टाल सकता। वो दिन भी आ गया जब नहुष अपनी शिक्षा संपन्न कर तैयार थे और नियति ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। उत्तम पुत्र नहुष, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई, तुम सर्व समर्थ और सारी कलाओं में निपुण हो। गुरुदेव, मैं जब भी आपसे पूछता था तो सदा एक ही उत्तर पाता था कि मुझे मेरे माता पिता का ज्ञान तभी होगा जब मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूंगा। नंदनवन जाओ पुत्र, वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और अपने माता पिता से भी भेंट वही होगी। समय आने पर जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन वन जाएंगे तो आपको अपने पुत्र और पुत्र वधु दोनों का साथ मिलेगा। हाँ प्रिय, ये अवश्य माता का संकेत है, हमें शीघ्र नंदनवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चित यही है वो जिसके आगमन की सूचना महाराज हुंड चाहते हैं। मैं अभी उन तक ये समाचार पहुंचाता हूं। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, एक दिव्य देवी के दर्शन होंगे। तुम उस देवी को विवाह का प्रस्ताव दोगे और उसके बाद जो भी घटनाएं घटित होंगी उन घटनाओं में ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निहित है। हे देवी, मुझे नंदन वन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए।
मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। नहुष हूँ मैं, नहुष हूँ मैं। तो तुम यहां पहुंच ही गए नहुष। अब आएगा आनंद। तुमसे एक भी दिन कोई भूल नहीं होती। क्यों भूलूंगी पिताश्री, आप दोनों की सेवा करके ही तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है और मैं इसी प्रकार आप दोनों की सेवा करके अपना जीवन सुखमय बनाती रहूंगी। तुम्हारे भाग्य में अधिक समय सुख नहीं मेरी पुत्री, इस बात का मुझे दुख है। सदा हमारा ध्यान रखने वाली अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थी, किंतु उसकी नियति तो कुछ और ही थी। क्या माता, ऐसा क्या करना था दीदी मनसा को? एक बार वो मेरे केश में तेल लगाने आई। माँ, मैं आपके केश में तेल लगाने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ की सेवा नहीं, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करेगी। लाओ इसे मुझे दो और तुम स्वयं आकर बैठो, आज मैं तुम्हारे केश में तेल लगाऊंगी। माँ, अब से तो मैं आप ही से केश में तेल लगवाया करूंगी, ये तो बहुत ही सुखमय अनुभूति है। पुत्री, एक माँ के लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या होगी कि वो अपनी पुत्री का दुलार करे। और मैं तो तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती हूँ पुत्री। माता, ये क्या हो रहा है, फूल मुरझा क्यों रहे हैं? पुत्री, ये सब तुम्हारे पिता की पीड़ा का प्रभाव है जिससे ये सब संकट उत्पन्न हो रहा है। पुत्री, स्वामी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल का पान इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तभी से उनके कंठ में स्थित उस हलाहल के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। और उन्होंने संसार की पीड़ा तो हर ली, किंतु उनकी पीड़ा कोई नहीं हर सका। किंतु सत्य तो ये है दी, जो सभी की पीड़ा हरते हैं, आप उनकी पीड़ा हरेंगे। कदाचित मेरे जीवन का परम उद्देश्य यही है। पुत्री, मनसा, मनसा ये क्या कर रही है?
ये मैं कहाँ आ गया? ये क्या स्थान है? पुत्र, 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 परपुत्र, पुत्र। ये स्वर तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे पितामह और पिताजी मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु ये स्वर आ कहां से रहे हैं? परपुत्र, पुत्र, परपुत्र, पुत्र, 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 परपुत्र, पुत्र, पुत्र। पितामा, पिताजी, आप यहाँ इस अवस्था में पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच इस तरह अधर में क्यों लटके हैं? देख रहे हो पुत्र हमारी दुर्दशा, इस डाल के सहारे टिके हुए हैं हम। अरे मूषक, हटो, हटो मूषक, अरे मूषक हटो, हटो। नहीं पुत्र, तुम ऐसे हमारी सहायता नहीं कर सकोगे, इस मूषक को यहाँ से नहीं हटा सकोगे। किंतु पिताश्री, मैं क्या करूं? यदि ये यहाँ से नहीं हटेगा तो आप सब लोग नीचे गिर जाएंगे। हाँ पुत्र, हम पाताल के अंधकार में खो जाएंगे, स्वर्ग और अन्य उच्च लोकों की यात्रा नहीं कर सकेंगे पुत्र। नहीं नहीं नहीं, पिताश्री, पितामा, आप लोगों ने तो जीवन भर पुण्य किए हैं, तो उसका ये परिणाम कैसे हो सकता है? आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। यदि मैं कोई सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, मैं अवश्य करूंगा। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र, पुत्र। ये डाल तुम्हारा जीवन है और ये मूषक काल, जिस दिन काल इस मूषक की भांति तुम्हारा जीवन भी पुकार देगा, उस दिन हमें नर्क की आग में चलना ही होगा। मात्र तुम्हारा विवाह ही अब हमें नर्क में जाने से रोक सकता है पुत्र। नहीं नहीं, मैं अपने तप से नहीं भटक सकता, विवाह नहीं कर सकता, किंतु अपने पूर्वजों को इस अवस्था में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, यही है एकमात्र उपाय, वंश आगे बढ़ेगा तभी हमें इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो विवाह करना ही पड़ेगा पुत्र तुम्हें। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, कर लो, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो, हर लो। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, कर लो, विवाह कर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र। आप कुशल तो हैं न ऋषिवर? मैं आपका ध्यान संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहा था, इस आशा में कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, और आप जब तक हां नहीं कहेंगे मैं इसी प्रकार प्रस्ताव लेकर आता रहूंगा। देवाधिदेव महादेव के आदेश से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके मैं पुनः आपके समक्ष आया हूं, आपकी सहमति की अपेक्षा है। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र, तभी शास्त्र अनुसार हमारा उद्धार संभव है, अन्यथा हमें पाताल के अंधकार में खो जाने से कोई नहीं रोक सकता पुत्र। उचित है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, आपके इस निर्णय ने नागवंश को बहुत बड़े संकट से उबार लिया, बहुत बड़ा उपकार किया है आपने हम पर। मैं जाकर अभी ये शुभ समाचार माता पार्वती और बहन मनसा को सुनाता हूँ। रुकिए नागराज वासुकी जी, मुझे अभी कुछ और भी कहना शेष है। क्या ऋषिवर, अब क्या कहना शेष है? यही कि मैं विवाह तो करूंगा, किंतु उसके लिए मेरी तीन शर्तें हैं। कैसी शर्त ऋषिवर? <ऋषिवर? laughs>
सी शर्तें रख दी आपने? शर्त? कैसी शर्त? मेरी पहली शर्त, मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम चरत्कारु होगा। दूसरी शर्त, मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा, किंतु उन्हें मेरा प्रत्येक आदेश मानना होगा। मेरी सेवा में कोई चूक नहीं करनी होगी। तीसरी और अंतिम शर्त, यदि उनसे कहीं भी कोई भूल हुई तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा, और तब मुझे कोई भी रुकने के लिए विवश नहीं करेगा। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा। मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा। मेरा प्रत्येक आदेश मानना तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने पहले मुझे स्वीकार नहीं किया और उसके पश्चात ऐसी शर्त रख दी जो संसार में कोई भी स्त्री स्वीकार नहीं करेगी, और आप कह रहे हैं मैं उनसे विवाह कर लूं? माता, ऋषिवर ने ये कैसी शर्त रख दी थी? विवाह तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, और धर्मोचित मर्यादा तो ये है कि विवाह में पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति समान दायित्व होते हैं। फिर ऐसे धर्मपरायण, गुणी, ज्ञानी ऋषिवर ने ऐसा क्यों कहा? अपने पितरों को कष्ट से उबारने के लिए उन्होंने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया था, किंतु उनका मन तो प्रभु की भक्ति में ही रमा हुआ था। वो उनसे नहीं भटकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए ऐसी शर्त रखी। तो फिर दीदी मनसा ने क्या किया? माता, जन्मों के बंधन को जो आरंभ होने से पूर्व ही भंग करना चाहते हैं, आप उसके साथ मेरा पानी ग्रहण कराना चाहते हैं? विवाह के नियम, प्रेम, आपसी समझ और सम्मान पर रखी जाती, ऐसी अनर्गल शर्तों पर नहीं। मैं ही नागराज वासुकी जी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी। किसी प्रकार से तो ऋषि चरत्कारु ने अपनी सहमति दी थी विवाह के लिए, तो अब बहन मनसा ने नकार दिया। एक और दुविधा खड़ी हो गई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.